नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डाल लेते हैं प्रदेश की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं कोविड-19 की अपडेट से। प्रदेश में गुरुवार को कोरोना के 339 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में अब कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 32,673 हो गई है। साथ ही में बीते 12 घंटों के दौरान 5 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। वहीं प्रदेश में अब एक्टिव केस का आंकड़ा भी लगातार बढ़ने लगा है। आपको बता दें, प्रदेश में 8,587 एक्टिव केस मौजूद है। कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा जोधपुर जिले को परेशान किया है। आज भी सबसे ज्यादा मरीज जोधपुर जिले से ही आए। अभी तक 105 नए पॉजिटिव केस जोधपुर से मिल चुके हैं। प्रदेश की दूसरी और आज की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में सत्ता को लेकर घमासान लगातार जारी है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। सियासी उठापटक के बीच एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। भाजपा पर सीएम गहलोत ने सरकार गिराने की कोशिश करने का बड़ा आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस की ताकत देश की ताकत है। राहुल गांधी की बातचीत सभी मुद्दों पर है और राष्ट्र सुन रहा है। गहलोत ने कहा कि मोदी जी एक अच्छे संचालक है। कोरोना संकट के बीच सरकारें गिराने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसा ही काम मध्य प्रदेश में भी हुआ और अब राजस्थान में भी हो रहा है। इससे पहले आपको बता दें, राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है। प्रदेश के किसानों को लेकर बात करें तो अन्नदाता सरकार के खोखले दावे और वादों से खुद को अब ठगासा महसूस करने लगा है। दिन रात मेहनत मजदूरी कर कर्ज लेकर फसल उगाता है, लेकिन टिड्डियां उस किसान की सारी फसलें चट कर देती है। और अभी भी राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जहां किसानों की नींद हराम हो चुकी है। लगातार टिड्डियों का हमला हो रहा है, लेकिन प्रदेश की गहलोत सरकार को किसानों से ज्यादा फिलहाल अपनी कुर्सी जाने का खतरा महसूस हो रहा है। विधायक और मंत्रीगण 5-स्टार होटलों में बैठकर फिल्में देख रहे हैं तो कुछ लोग अंताक्षरी कर रहे हैं। किसानों की सुध कोई नहीं ले रहा है। अंत में प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में चल रही सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आने वाले फैसले पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि कल शुक्रवार को राजस्थान हाई कोर्ट अपना फैसला सुना पाएगा। कल का दिन काफी अहम है। कल यह देखना होगा कि कोर्ट का फैसला सचिन पायलट के पक्ष में आता है या अशोक गहलोत के खेमे के पक्ष में। अगर फैसला पायलट गुट के में आता है तो सीएम अशोक गहलोत की कुर्सी पर एक बार फिर खतरा मंडरा सकता है। तो यह थी प्रदेश की बड़ी खबरें। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।